Chandan Shakir. Today we are going to discuss the remaining part of lesson number 10, A Mind Attack of Locust. तो रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने से पहले पहले हम जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 2 उसे हम थोड़ा रिवाइज करेंगे और उसके बाद जो आज लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया जाएगा उसे रिलेटेड सिनोनिम्स को रीड आउट करेंगे। सिनोनिम्स को रीड आउट करने के बाद फिर हम ट्रांसलेशन की तरफ मूव करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जब टिड्डियाँ उतर आती हैं खेत में और डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना शुरू कर देती हैं, फसलें खाना शुरू कर देती हैं, तबाह करना शुरू कर देती हैं, तो मार्केट और ओल्ड स्टीफन और रिचर्ड ये मजदूरों को, किसानों को ऑर्डर्स दे रहे होते हैं, हिदायत दे रहे होते हैं, अहकाम दे रहे होते हैं कि भाई आप लोग कुछ करें उन्हें भगाने के लिए। तो लोग क्या करते हैं कि वो लकड़ियों का और घास का ढेर लगाते हैं और फिर उसे जला देते हैं। जलाने से धुआं पैदा होता है, वो जो धुआं पैदा होता है उससे उनका ये ख्याल होता है कि टिड्डियाँ उस धुएँ से डर के भाग जाएगी। इसी तरह से वो साग के ऊपर गीले पत्ते भी फेंकते हैं धुएँ को एक्यूरेट कड़वा बनाने के लिए, उसे स्याह बनाने के लिए कि जितना ज़्यादा ये कड़वा होगा, जितना ज़्यादा ये स्याह होगा उतना ही ज़्यादा टिड्डियाँ जो है वो भागेंगी। तो अपनी मदद आपके तहत वो सारे दूसरे की भी मदद कर रहे होते हैं और खुद को इस मुसीबत से, इस तबाही से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी तरह से फिर हमने पढ़ा कि जो फिजा थी उसकी सिचुएशन क्या थी। उसकी सिचुएशन ये थी कि धुएँ के बादल उठ रहे थे, हालांकि दिन का वक्त था और ऐसे लगता था कि जैसे तारीखी सी छा गई है, दिन में ही रात का समा आ रहा था। ठीक है, और वो किस सेंस में था कि सूरज वाला हिस्सा उसके आगे अगर टिड्डियाँ आ गई थी वो मूव कर रही थी और वो हिस्सा सारा कवर हो गया था और जो बाकी धुएँ के बादल उठ रहे थे जमीन से, जैसे कि आग वगैरह चलाई जा रही थी वो ही सारा धुआं ऊपर उठ रहा था, इस वजह से भी वो सारा तरह से तारीखी जो है वो फिजा में छाई हुई थी। तो वो देखते हैं कि जी सामने स्वर्गीय मालिक आपके पीछे जो उस लश्कर का, जो टिड्डियों का बड़ा लश्कर है, ठीक है, उसका पहले एक मेन स्वांग का एक एडवांस गार्ड्स भी थे जो हर अव्वल दस्ता समझा जाता था कि पहले वाला लश्कर, वो चौक दर चौक जो है वह के बाद निकले खेतों में जो है वो उतर रहे हैं। और इस तरह से कह के जो पीछे उनके बड़ा लश्कर का वो तकरीबन ऐसे लग रहा था कि जैसे वो आसमान पर सूरज को छू रहा। तो हमने लास्ट टाइम यहाँ तक कुछ डिस्कस किया था। So let's discuss the synonyms of the remaining part of lesson number 10. तो whiteboard पे स्टूडेंट synonyms लिखवाने का मतलब ये होता है कि आप इसे अच्छे से पॉज करके वीडियो को इसको देख सकें, इसे मेमोराइज कर सकें, इसे लिख भी सकें। मैं सिर्फ वर्बली बताऊँगा, उसमें कुछ वर्ड्स आपके लिए जो है वो अंडरस्टैंडेबल होंगे और कुछ नहीं होंगे, किसी को पिक कर सकेंगे, किसी को नहीं कर सकेंगे। whiteboard इसलिए है कि आप इजीली इन्हें जो है वो सुन भी सकें, रीड आउट भी करते हैं और आप इसे देख भी सकें, आप इसे पॉजेस में ला कर वीडियो को इसे देख सकें, पढ़ भी सकें, ठीक है, और आप इसे अपने रजिस्टर के ऊपर जॉट डाउन भी कर सकें, लिख भी सकें। तो ज़रा फर्स्ट वर्ड देखें, ज़रा कैटल। कैटल का मतलब होता है घंटी, ठीक है, गूंज गरज घंटी, यानी बेल क्लैटरिंग साउंड। थर्स्टी, थर्स्टी का मतलब होता है प्यास दिलाने वाला या फिर मुश्किल कि कोई ऐसा काम है जिसमें काफ़ी फोर्सफुली आप जो उस काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें बंदा थक जाता है, जो प्यास वगैरह लगती है, इंसान थकावट से निकाल हो जाए, ठीक है, कोई मुश्किल काम ही होता है तो वो टफ, डिफिकल्ट, हार्ड, इसकी सुननी चाहिए। क्लोटेड, क्लोटेड का मतलब होता है भरा, फिल्ड, कवर्ड, जैम पैक्ड, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भरी हुई। क्रॉलिंग, क्रॉलिंग भेजना, ठीक है, क्रिपिंग, टू मूव स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता चलना। ऑनरश, हमला, अटैक, असॉल्ट। स्नैप्ड ऑफ, टूटना, ब्रॉक, स्प्लिट, ट्वीट, ठीक है, किसी चीज का टूटना, खत्म हो जाना। तो ये कुछ सिनोनिम्स थे जो एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, इस पैराग्राफ से रिलेटेड वो मैंने अभी आपके सामने लिखे हैं।
ऊपर आए। पैराग्राफ नंबर 4 डिस्कस करेंगे आज। लेट पेंसिल्स और पेंस भी निकालें, डिफिकल्ट वर्ड्स को मार्क करें। मार्गरेट वाज वंडरिंग व्हाट शी कुड डू टू हेल्प। मार्गरेट सोच रही थी, वंडरिंग सोच रही थी, थिंकिंग पॉन्डरिंग, ठीक है, कि मार्गरेट सोच रही थी व्हाट शी कुड डू टू हेल्प, कि वो मदद के लिए क्या कर सकती है। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी, क्योंकि वो शहर से आई थी, गांव में, उसे नहीं पता था। देन केम अ कोल्ड स्टीफन फ्रॉम द लैंड्स, खेतों से बूढ़ा स्टीफन आया। वी आर फिनिश्ड, हम तबाह हो गए। फिनिश्ड खत्म होना होता है, यहाँ पे तबाही किस जुमरे में आएगा, कि वो जैसे खत्म हो रहे हैं उनके खेत, यानी तबाह हो रहे हैं, हम तबाह हो गए हैं। मार्केट मार्केट, वी आर फिनिश्ड फिनिश्ड, तबाह हो गए। दोस्त बैगर्स, वो भिखारी, क्योंकि टिड्डियों को भिखारी कह रहे हैं, कि जैसे भिखारी भूखा होता है उसे खाना चाहिए उतना ज़्यादा, ठीक है, इसी तरह से टिड्डियाँ भी भिखारियों की तरह ही फसलें खाई जा रही हैं, तबाह कर रही हैं। दोस्त बैगर्स कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फार्म इन हाफ एन आवर, के ये भिखारी खेत से हर पत्ते और पत्ती को आधे घंटे में चट कर सकती हैं, खा सकती हैं। एंड इट इज ओनली अर्ली आफ्टरनून, अर्ली आगाज है, आफ्टरनून सपहर का, कि अभी सपहर का आगाज है। इफ वी कैन मेक इनफ स्मॉग, अगर हम काफी धुआं बना सकें, मेक इनफ नॉइस, काफी शोर पैदा कर सके, टिल जब तक द सन गोज डाउन, जब तक के सूरज गुरूब हो जाता है, जब तक सूरज गुरूब होता है, हम काफी ज्यादा शोर पैदा कर सकें, काफी धुआं बना सकें, देर सेटल, तो ये ठिकाना बना देंगे, समवेयर एल्स परहैप्स, शायद कहीं और, तो शायद ये कहीं और ठिकाना बना लेंगे। एंड देन और फिर गेट द केटल गोइंग, घंटी बजते रहने दो, इट्स थर्स्टी वर्क दिस, ये प्यास दिलाने वाला काम है, या ये बहुत मुश्किल काम है, ये प्यास दिलाने वाला काम है। लुकिंग आउट, बाहर देखने पर, ऑल द ट्रीज वर क्वीयर एंड स्टिल, तमाम दरख्त क्वीयर, अजीब, स्टिल, साकिन थे। क्लोटेड विद इंसेक्ट्स, कीड़ों से भरे हुए थे। देयर बाउस, उनकी शाखें, वेट, वजन से झुकी हुई थी, टू द ग्राउंड, जमीन पर, उनकी शाखें वजन से जमीन पर झुकी हुई थी। द अर्थ सीम्ड टू बी मूविंग, सीम्ड नजर आ रही थी, दिखाई दे रही थी, मूविंग हरकत करती हुई, जमीन हरकत करती हुई नजर आ रही थी, दिखाई दे रही थी। लॉकर्स ट्रॉलिंग एवरीवेयर, तो टिड्डियां हर जगह रिंग रही थी। शी कुड नॉट सी द लैंड्स एट ऑल, वो जमीन को या खेत को बिल्कुल भी देख नहीं सकती थी, क्योंकि कीड़ों ने कवर किया हुआ था। सो थिक वॉज द स्वॉर्म, लश्कर बहुत घना था, ठीक था, घना था। टुवर्ड द माउंटेन्स, पहाड़ों की जानेब, इट वॉज लाइक लुकिंग इन टू ड्राइविंग रेन, पहाड़ों की तरफ, इट वॉज लाइक लुकिंग, ऐसे लग रहा था जैसे कि इन टू ड्राइविंग रेन, कि बारिश की बुछाड़ हो रही हो या मूसलाधार बारिश हो रही हो, कीड़े इस तरह से पीछे गिर रहे। इवन एज शी वॉच्ड, हत्ता कि उसने देखा, द सन वॉज ब्लॉटेड आउट अवे अ फ्रेश ऑनरश ऑफ देम। ब्लॉटेड आउट का मतलब होता है, ब्लॉटेड आउट होता है ब्लर, ठीक है, धुंधला, धुंधला हो गया था, ब्लर, डिम्ड, डी ए डबल एन ई डी, डिम्ड, डिम हो गया था, ठीक है, ऑब्सक्योर्ड, ओ बी एस सी यू आर ई डी, ऑब्सक्योर्ड हो गया था, ठीक है जी, फिंटेड, एफ ए आई एन टी ई डी, फिंटेड, फिंटेड हो गया था, कि सूरज धुंधला हो गया था, मेरा फ्रेश ऑनरश ऑफ देम, उनके ताजा हमले से, उनके ताजा हमले से सूरज धुंधला हो गया था। इट वॉज अ हाफ नाइट, ये आधी रात का वक्त लग रहा था। मैंने भी आपको बताया कि अगरचे ये दिन का वक्त था, लेकिन जैसे स्मॉग इतना ज्यादा था, चिड़ियों का रश था आसमान पर, सूरज कवर हुआ पड़ा था, यूं लग रहा था कि आधी रात का वक्त हो गया। इट वॉज अ हाफ नाइट, आधी रात का वक्त लग रहा था। अ परवर्टेड ब्लैकनेस, परवर्टेड, बिगड़ी हुई, डिस्टॉर्टेड, डी ए एच टी ओ आर।
डिस्टॉर्टेड, वर्न आउट, टूटी फूटी, ठीक है, बिगड़ी हुई, ब्लैकनेस तारीकी थी, ये एक बिगड़ी हुई तारीकी थी। देन केम अ शार्प क्रैक, शार्प तेज आवाज, क्रैक टूटने की, फ्रॉम अ फ्रॉम द बुश, झाड़ी से, फिर झाड़ी से किसी चीज के टूटने की तेज आवाज है। अ ब्रांच हैड स्नैप्ड ऑफ, एक शार्प टूट गई थी। देन अनदर, फिर एक दूसरी शार्प टूटी। A tree down the slope leaned over. A tree, दरख्त, down the slope, ढलवान पर, leaned over, झुका। एक दरख्त ढलवान की सूरत में झुका। And settled heavily to the ground. Settled heavily to the ground. और जमीन पर एकदम से आ गया। Through the hail of insects, कीड़ों की पुछाड़ में से, हेल पुछाड़ में से अमेर के रनिंग, एक आदमी भागता हुआ आया। वन स्टूडेंट्स, ये था हमारा